साध्वी प्रज्ञा। इस सियासी संग्राम में बीजेपी साध्वी प्रज्ञा के नाम को भुलाने की कोशिश पूरी तरह से कर रही है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक साध्वी के नाम को लेकर इस चुनाव को भुलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने साध्वी प्रज्ञा के पोस्टर लगवाए हैं। पोस्टर के साथ लिखा है, अब होगा न्याय। पोस्टर में साध्वी की उस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है जिसमें वो अस्पताल इलाज कराने जा रही हैं। उधर साध्वी को दूसरे तरीके से घेरने की तैयारी भी चल रही है। तहसीन पूनावाला ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि आतंकवाद के केस में आरोपी होने की वजह से साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ने से रोका जाए, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से इस पर साफ कर दिया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता। उधर साध्वी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि मालेगांव बम धमाके में आरोपी साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारकर आखिर बीजेपी क्या साबित करना चाहती है। उन्होंने एक ऐसे शख्स को भोपाल से मैंडेट दिया है जिन्होंने सिर्फ आतंकवाद के केस में एक आरोपी है, बल्कि उसके साथ साथ बेल पे है, और बेल भी उनको इस बहाने दिया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। मुझे बताइए, अगर उनकी सेहत जेल में रहने के लिए ठीक नहीं है तो उनकी तबीयत इलेक्शन लड़ने के लिए ठीक कैसे हो सकती है। वहीं अपने अलग अंदाज में विरोधियों पर निशाना साधने के लिए मशहूर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे को लेकर सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। हिंदुस्तान के वजीर आजम तुम झूठे हो, तुम झूठों के शहंशाह हो, तुम टेररिज्म से लड़ना नहीं चाहते। अगर तुम टेररिज्म से लड़ना चाहते थे, तुम में इखलास था, सिंसियरिटी थी, तो तुम एक पार्लियामेंट की सीट के लिए जिस पर टेररिज्म का चार्जेस है तुमने उसको कैंडिडेट बनाया। बताओ वजीर आजम, जो लोग मालेगांव में मर गए, ये तुम्हारी जीरो टॉलरिज्म है, ये तुम्हारा जीरो टॉलरेंस है। हिंदुस्तान की जनता, क्या आज आप ये देख कर खामोश रहेंगे कि टेररिज्म के केस में जो है उसको कैंडिडेट बीजेपी बना रही है। विरोधी साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर निशाना साध रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वही साध्वी प्रज्ञा इस पर अपनी प्रताड़ना की बात कहकर फ्रंट फुट पर है, पुरानी बातों का जिक्र कर नई बहस छेड़ दी है। उल्टा लटका देंगे, तुझे निर्वस्त्र करेंगे। असल नहीं है मेरे लिए कहना, रात भर पीटते पीटते जब मेरे हाथ फटने लगते थे, उन्हें भय होता था कि पूरे हाथ इसके जब फट जाएंगे, खून आ जाएगा, बहने लगेगा, उस समय रोक देते थे। बाल्टी में गर्म पानी लाते थे, उसमें नमक डालते थे, हमारे हाथों में उसको डुबोते थे, हमारे हाथों को उसमें डुबोते थे, जमीन पर कुटवाते थे, जिससे वो थोड़े मुलायम होते थे एक आध घंटे में, और फिर पिटना शुरू करते थे। सबसे चौंकाने वाला बयान तो दिग्विजय सिंह का है, जिनके खिलाफ साध्वी प्रज्ञा मैदान में है। अक्सर आक्रामक रहने वाले दिग्विजय सिंह नरम से दिख रहे हैं। हमारा मुद्दा केवल एक है कि पिछले 30 साल से भाजपा का सांसद चुनकर भेज रहे हैं। क्या किया हिसाब दे, मोदी जी ने 5 साल में क्या किया हिसाब दे। हमारा मुद्दा केवल एक है। मालेगांव बम ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी उम्मीदवार बनाने पर सियासी संग्राम छिड़ गई है। यूपीए शासन के दौरान हिंदुत्व आतंकवाद की उछाली गई थ्योरी, और इस पर बीजेपी अब फ्रंट फुट पर है, और भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार खुद इस पर नरम दिख रहे हैं।